अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्विटर टुडे, यानी कि ट्विटर पे हमको ट्वीट कैसी करनी है। अब बहुत यूज़र्स हैं पाकिस्तान में ट्विटर के, मगर इतने नहीं हैं जितने फेसबुक पे हैं, और शायद अब मेरे ख़्याल में इंस्टाग्राम भी ट्विटर से ज़्यादा है। मगर ट्विटर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर सारे जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो बैठे हुए हैं। आपके पॉलिटिशियंस भी बैठे हैं, आपके जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, बेसिकली वो सारे लोग जो एक आवाम के ख़्याल को, एक आवाम की गुफ्तगू को और एक आवाम की जो बातचीत चल रही है, जो माहौल बन रहा है, वो लोग वो हैं जो कि इस हमारी सोसाइटी का और आवाम के माहौल को बनाते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो अरब स्प्रिंग्स हुए थे वो पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया के लेड एक कैंपेन थी और पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी जो कि ट्विटर पे ख़ास तौर पे चली और सोशल मीडिया के ज़रिए एक पूरी एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो गई। हम बहुत हद तक सुनते हैं कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं यूएस के भी और भी, वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं इससे। ट्विटर ऐसी जगह है जहाँ ये सारी बातें होती हैं, जहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम ज़रा हंसी मजाक की बातें करते हैं, ब्रांडिंग की बात करते हैं, कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, ट्विटर ज़रा सीरियस तरीके से बात करता है। थोड़ा सा एक वहाँ पर ये इंटरटेनमेंट भी हो रही होती है, मगर ज़्यादा जो है वो बात इंफॉर्मेशन की होती है, न्यूज़ ओरिएंटेड होती है, पॉलिसी ओरिएंटेड होती है। तो हम ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, अपने ख़यालात, अपने ओपिनियंस का इजहार करने के लिए, एक्टिविज़म करने के लिए, मूवमेंट्स चलाने के लिए हम ट्विटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली एक डिस्कशन होती है, कोई अपनी ओपिनियन शेयर करता है, आप उसका जवाब देते हैं और एक फुल कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो जाती है, उसमें और लोग भी शामिल हो जाते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा एक टॉपिक के बारे में बात करे, और उसको हम हैशटैग कहते हैं, टॉपिक को वो डिफ़ाइन करते हैं हैशटैग के साथ, अगर वो करें तो दिस स्टार्ट्स ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो उसके बारे में बात करें। और जब आप सर्च में जाते हैं कि जी आजकल कौन किसके बारे में बात कर रहा है, तो आपको वो हैशटैग जो है वो नज़र आता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं जो बाकी सारी दुनिया उसके बारे में बात करी, या बहुत ज़्यादा लोग उस इलाके में उसके बारे में बात करें। तो इसीलिए ट्रेंडिंग हैशटैग्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर योर मूवमेंट, ख़ासतौर पर सोशल कॉजेज के लिए। आपने सुना होगा मैं भी का या मी टू का जो एक हैशटैग पॉपुलर हुआ था। पॉलिटिकल हैशटैग्स बहुत सारे पॉपुलर होते हैं, या फिक्सिट का हैशटैग है, इस तरह के बहुत सारे आपने देखे होंगे। अभी भी आई एम श्योर अभी आज हम जब ट्विटर खोलेंगे कि देखेंगे कि कौन से हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि आजकल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ट्विटर पे किस चीज़ की बात हो रही है। तो टॉकिंग अबाउट ट्विटर, तो सबसे पहले हम ट्विटर में साइन इन करते हैं, उसके बाद हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि या तो हम एक नई ट्वीट लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं, और ये टेक्स्ट जो है 160 कैरेक्टर्स का होता है, या हम रीट्वीट भी कर सकते हैं, यानी कि किसी और ने बात की है उसको उसका जवाब हम या रिप्लाई करके दे सकते हैं या रीट्वीट करके उसके ऊपर एक कमेंट डाल सकते हैं। ख़ासतौर पर ये हम करते हैं रीट्वीटिंग जब कोई वीडियो हो या कोई इमेज हो या कोई एक डॉक्यूमेंट किसी ने शेयर किया हुआ हो, उसको अगर हम आगे उसके साथ उसके ऊपर तबसरा करके उसको लगाना चाहें तो हम रीट्वीट विद कमेंट करते हैं। हमने देखना ये है कि जी जो ट्वीट है वो या नहीं होगी या आपके टॉप ऑफ द स्क्रीन, जैसे हमने बात की, कंपोज योर ट्वीट विद लेस देन 280 कैरेक्टर्स। अब ये छोटी सी बात बहुत जल्दी करना बड़ा एक आर्ट होता है। बहुत से शॉर्टकट्स भी लोगों ने इस्तेमाल कर लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू को वाई ओ यू नहीं खाली यू लिखते हैं, आर को ए आर ई नहीं आर लिखते हैं। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो कि ट्विटर की दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं और होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग दैट यू नीड टू नो फॉर ट्विटर, यानी कि आपको यही सीखना है। और अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, और एक्चुअली आपके पास लोग आते हैं कि भाई हमारी ट्वीट्स लिख दिया करो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, और अच्छा खासा इसमें आप इनकम कमा सकते हैं।
कंटेंट राइटर्स की, जैसे कि मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के सेशंस में भी बोला, बहुत ज़रूरत है, बहुत डिमांड है, ग्लोबली डिमांड है, तो ट्वीट्स लिखना सीखें और मज़े मज़े की ट्वीट्स लिखें और पैसे कमाएं। हैशटैग्स जो है वो डालना ज़रूरी है ट्विटर में, इंस्टाग्राम की तरह हम हैशटैग्स में पागल नहीं हो जाते, चंद एक डालते हैं जितने कि हमारे पास वैसे भी स्पेस ज़्यादा नहीं होती, 160 कैरेक्टर्स में हमने हैशटैग भी डालना है, बात भी करनी है, तो उस हिसाब से। मगर हैशटैग से होता यही है कि आप लिंक कर सकते हैं, आप किसी को टैग भी कर सकते हैं ऐट के साइन से। टैग वही चीज़ है जो इंस्टाग्राम में मेंशन कहलाती है। आपने किसी से बात करनी है तो आप टैग करते हैं ताकि वो आपके साथ इंगेज करे, और आप बजाय इसके कि हवा में बात कर दें और इस उम्मीद पर रहें कि कोई ना कोई जवाब दे देगा, अगर आप किसी को टैग करते हैं इसका मतलब है कि यार ये सवाल लिया, ये बात मैंने तुमसे की है, अब इसके जवाब तुम मुझे दो। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड दोज थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल। अगेन ओवर अगेन ओवर एंड अगेन वी कीप सेइंग दिस कि अपने रीडर्स या अपने ऑडियंस के लिए लिखें, उनकी तरह सोचें और उनके हिसाब से लिखें। आप ट्वीट्स पढ़ते रहें, देखें किससे ज़्यादा लोग जो हैं वो इंगेज करें, किससे कौन सबसे ज़्यादा लाइक हो रही है, किससे ज़्यादा बहस हो रही है, क्या कौन सी ऐसी ट्वीट है जिससे ज़्यादा इंगेजमेंट हो रही है। तो आप ये बाकी ट्वीट्स देखें, रीडर की अटेंशन लें। करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल पंक्चुएशन, जैसे कि मैंने कहा कि ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा जो है अब चेंजेस अलाउ हो गई हैं, ग्रामेटिकली भी और स्पेलिंग वाइज भी, मगर आपने देखना यही है कि क्या आप सही वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम इस्तेमाल होती है कि नहीं। अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें पूरी एक ट्वीट अब्रीविएशंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी कि कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी नहीं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जी ट्वीट्स होती क्या हैं। दिस इज़ आर ट्वीट फीड। मीशा शफ़ी ने एक तस्वीर डाली है अपनी, व्हाट यू मीन आई वाज सपोज टू पिक अप द किड्स, यानी कि वो तो परफॉर्म कर रही हैं, यू नो, सो इट्स अ फनी वन एंड शी सेड के भाई मैं तो परफॉर्मेंस दे रही थी तो मैं कहाँ से बच्चे उठा सकती थी। फिर फिल रोजनथॉल हैं, ये बहुत फेमस राइटर हैं, इन्होंने एक सीरीज़ लिखी थी एवरीबडी लव्स रेमंड के नाम से, और उन्होंने अब अपना एक शो जो है कुकिंग शो वो शुरू किया है, तो उसकी उन्होंने एक्सेप्ट डाला और ऊपर लिखा है, विद माय चांस टू गो टू द फर्स्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड एट मासिमो बोटूरा टर्न्स इनटू द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टीज। और फिर उन्होंने एट दोबारा किया, वर्ल्ड्स 50 बेस्ट, हैशटैग्स डाल दिए हैं कि जी ये किसके बारे में है, तो आप देखेंगे कि 160 कैरेक्टर्स में उन्होंने अच्छा खासा हमें चीज़ें बता दी हैं। इकोनॉमिस्ट जो है वो ना एक डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर रहा है। पेग न्यूज़ जो है, मैसेज फ्रॉम साइमन, विद द मिशन इम्पॉसिबल प्रेस टूर ओवर आई फाइनली हैड द चांस टू गो थ्रू लेटर्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम कोरिया, जापान एंड चाइना, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेनरॉसिटी एंड टेकिंग द टाइम टू राइट, आई रियली डू अप्रिशिएट इट। अब क्या हुआ, ये एज सच अगर देखा जाए तो ये ट्वीट क्या हुई, उन्होंने जो उनके फैंस हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच और फैंस को इंगेज किया उनको। ये एक ट्विटर पे बड़े मज़े की बात है कि आप डायरेक्टली अपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जिन लोगों से आप बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं, अगर उनसे बात करना चाहें तो आप उनसे टैग करके या उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस। तो आपकी आवाज़ डायरेक्टली उनके पास जाती है, ये नहीं होता कि जी वो मुझे सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उनको मेरी बात पता चलेगी कि नहीं पता चलेगी, डेफिनेटली पता चलेगी आपने लिखा है उनको डायरेक्टली। तो UK प्राइम मिनिस्टर जो है, शी ऑल्सो ट्वीट्स Theresa May, और उन्होंने लिखा है, आई बीन इंस्पायर्ड बाई माई ट्रिप टू अफ्रीका, आई सी अ कॉन्टिनेंट फुल ऑफ पीपल विद एम्बिशन फॉर द फ्यूचर, द UK वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ हेल्पिंग अचीव दैट एम्बिशन। यानी कि आप इतने मज़े में अपनी बात जो है, जो आप एक पोलिटिकल स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं, जो बात भी करना चाहते हैं, वो आप ट्विटर पर कर सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी वी हैव, अगर आप ट्विटर पे देखते रहें तो आपको ये भी मिलेगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्टिकल्स, जो लंबे लंबे आर्टिकल्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लगा देते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड एंड दैट्स वन थिंग अबाउट ट्विटर। इसमें कोई हिडन चीज़ नहीं होती है, इट्स अ पब्लिक फोरम, इट इज़ नॉट अ प्लेस टू हैव अ क्लोज कॉन्वर्सेशन, बल्कि इट इज़ अ प्लेस टू पुट योर वर्ड आउट देयर टू द वर्ल्ड। अब हम अगर देखें कि जी अगर हमने लिखना हो एक ट्वीट, सो अब हम ट्वीट करते हैं और हम कहते हैं कि जी टीचिंग क्रिएटिव राइटिंग एट DG Skills।
ट्वीट हमने लिखी, कुड नॉट बी हैविंग मोर फन एट डीजी स्किल्स टीचिंग क्रिएटिव राइटिंग टीच टू ईट या लर्न टू अर्न, यानी कि आप सीखेंगे तो कमाएंगे. सो दैट इज़ हाउ आई हैव वर्डेड माई ट्वीट, बट आई एम श्योर दैट यू विल हैव मोर फन राइटिंग ट्वीट्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स. सो गेट ऑन टू इट एंड मेक सम मनी.